क्रोध की शुरुआत दो जगह से होती है। पहली जगह, आप अगर मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत कड़वी बात है। और दूसरी क्रोध की शुरुआत होती है कि आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। जहां से जहां भी आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, आपको फील होगा गुस्सा। किसी से आपने कहा भाई आप ये काम कर लेना, लेकिन कुछ समय के बाद जब आपने देखा वो काम नहीं हुआ तो आपको क्रोध आ जाता है, क्यों नहीं किया तुमने ये काम, मैंने कहा था ये काम करना चाहिए। होता है ना ऐसा। अच्छा, आप अपने आप में बैठे हुए हैं, अपने आप में घर में सब कुछ है, बैठे बैठे तो क्रोध आएगा नहीं, कोई किस बात से रिलेटेड होगा तभी क्रोध आएगा। तो जिस शुरुआत की आप बात कर रहे हैं, तो दो लोगों को क्रोध आता है, एक जिसकी जिसकी अपेक्षा उपेक्षा में बदल जाती है, जिसकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है, जो कुछ कर नहीं पाता, तो उसको क्रोध आता है, चाहे फिर वो किसी से बुराई हो जाए, चाहे वो कोई कार्य हो या वो अक्षमताएं हो, उसमें अक्षमताएं भी बड़ी परेशान करती हैं। इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी के अंदर है, उसमें भी क्रोध आएगा उसको। तो कमजोर व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है, हालांकि क्रोध ज्ञानी को भी आता है, लेकिन ज्ञानी का क्रोध जो होता है कल्याण के लिए होता है दूसरे के, और कमजोर का क्रोध स्वयं के कार्य पूरे न होने के कारण होता है। दोनों में अंतर है। ज्ञानी को क्रोध आएगा, भाई तुम अगर ये कर लेते तो समाज का कल्याण हो जाता, तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम अगर ये कर लेते तुम्हारा जीवन बन जाता, तुमको मैंने कहा था तुम थोड़ा सा ध्यान किया करो, तुम्हारी इंद्रियां वश में हो जाएंगे, तुम्हारे चक्र खुल जाएंगे। ज्ञानी कह रहा, ज्ञानी इसलिए क्रोधित हो रहा है कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, तुमने किसी की सेवा नहीं की। अच्छा, अज्ञानी को, जो दूसरा अज्ञानी पक्ष ऐसे ही मान लो, उसको क्रोध क्यों आ रहा है, तुमने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये कमजोर लोगों की बात है। तो ये कारण है, अपेक्षा ही उपेक्षा बनती है।